है गाइस, सो वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक आइडिया देखने वाले हैं जो कि हम लोग मैनिपुलेशन करने वाले हैं विथ ग्राफिक स्टाइल्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक मैच बॉक्स लेंगे। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया कॉन्सेप्ट है, देखते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास मैच बॉक्स है एक, और उसमें से हम लोग एक ट्राई करेंगे मैच बॉक्स को ऐड करके करते हुए, जो कि मैनिपुलेशन जैसा ही लगेगा, लेकिन जो AI क्रिएट करता है वैसा ही हम लोग ज्वाइन करके इमेज को बनाने वाले। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट टू स्टार्ट। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना स्क्रीन्स लेके आया है। यहाँ पे मैं सभी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव भी चेंज कर लिया। पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करते हैं वो बता दिया है मैंने। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तीली है, माचिस का तीली, इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेके आऊँगा इसको और थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा। आप Ctrl+T प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, बेसिक उतना हाईफाई मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों है हो गए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद क्या होता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट रिमूव करूँगा कुछ भी, तो वो साथ साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका मैं तीली नेम रख देता हूँ। ठीक है, तीली, ओके हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक नाइकी का शू ले लूँगा क्योंकि वन ऑफ द, ठीक है, मेरा फेवरेट भी है और हाई फाई भी है क्वालिटी। तो मैं इसमें से एक कोई सा भी इमेज ले लूँगा जो कि मेरे मार्चिस का जो तीली है उसमें अच्छे से फिट आए। तो ठीक है, मेरे को ये ठीक लग रहा है क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वालिटी भी अच्छा। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मगर आप जब भी ये डिज़ाइन कर रहे हो तो पहले इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे चेंज करना। ठीक है, तो इसको मैं Ctrl+T करता हूँ, राइट क्लिक करके इसका ऑरिजोंटल फिल कर देता हूँ। ठीक है, ऑरिजोंटल फिल करने के बाद क्या होगा, ऐसा लुक आएगा, जो कि इसको ऊपर लेके आते हैं, Ctrl+Shift+2 होल्ड करके ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ऐसा आएगा। और इसको मैं W प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सलेक्शन टूल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली। मैं उतना रिफाइन वर्क में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम लोग कंसेप्चुअल आर्ट ग्राफिक बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये प्रोसेस लेता है। मैं 2020 का वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, मास्क कर देंगे, ज़्यादा नहीं कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है तो थोड़ा रिफाइन करेंगे, उतना भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम लगेगा, तो टोटल्स में मेरे को जल्दी जल्दी बताना है आपको। मेक श्योर इसका फ्लो कितना स्मूथनेस, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर मेक श्योर ये ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, यहाँ पर ग्रे था इसके लिए नहीं हुआ। हाँ, मेन रीज़न यही है। ठीक है, वो वाइट कर देता हूँ, अभी देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो हल्का हल्का रिफाइन कर लीजिए, ये सभी थोड़ा सा करने के लिए टाइम लगता है। अगर AI से आप AI टूल्स का सहायता से कट करते हो तो ठीक है, वो भी बेटर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि AI टूल यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ जिससे कि इसका क्वालिटी बरकरार रहेगा। इसमें कुछ भी रिफाइन कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आर्ट बना रहे हैं। कि यहाँ पे आर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्चिस का तीली नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नाइकी का शू लगाने के बाद हम लोग अपने आप जल जाते, बर्न हो जाते, ऐसा फील आया। ठीक है, तो Ctrl+T प्रेस करते हुए वार्प कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये जूता करेक्ट फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उतना तो छेड़खानी कर नहीं सकते क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, और इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको डाउन कर दियो, क्योंकि हम लोग को स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना है और बड़ा ऑब्जेक्ट को स्मॉल दिखाना है, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा फील आता है कि हाँ ये है बोल के। तो यहाँ पे अभी क्या करूँगा, मैं एक लेयर लूँगा और ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल में मैं ग्रे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ग्रे थोड़ा सा, एंड इसको ओके प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो क्रिएट करूँगा। हम लोग ऐसे, मैं ऐसा ही ड्रॉप शैडो क्रिएट करता हूँ, ड्रॉप शैडो के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा मैं कैसे ड्रॉप शैडो करता हूँ बोल के। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा
और इसको थोड़ा चिपटा कर देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग फोटोशॉप में अलग अलग फीचर शॉर्टकट से। तो ये हो गया, और इसका मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ओपासिटी में अराउंड 45 रखूँगा, क्योंकि उतना ज़्यादा रखने से वो शेडो उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा दिखाना है कि हाँ यहाँ पे शूज है, और शूज़ का वहाँ पे फ्लोटिंग, ऐसा फ्लोटिंग हो रहा है ऐसा भी नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर फ्लोटिंग दिखा दिया तो जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे इफेक्ट वो यहाँ पे फील नहीं होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। अभी इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको हम लोग को ये मार्चिस का तीली है उसको हम लोग थोड़ा सा कलर क्या करेंगे डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस में जाऊँगा, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूंगा क्योंकि मेरे को उतना नहीं चाहिए इसमें, ब्राइटनेस कम कर दूंगा, इसको मास्क कर देते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। और एक और बार एडजस्टमेंट में जाएंगे, और लेबल में जाता हूँ मैं, लेबल में जाने के बाद मैं थोड़ा सा डार्कनेस, इसको भी मास्क करना पड़ेगा तभी दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सा और यहाँ पे पुश कर दूंगा ऐसा, ठीक है, इतना तक ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, इस लेयर को पूरा शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट करिए और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दीजिए, और मैं इसको लिख देता हूँ बॉक्स, ओके, मार्च बॉक्स होना चाहिए था, बॉक्स लिख दिया। अभी देखिए मैं इसमें इतना रिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया, कॉन्सेप्चुअल आइडिया क्या है वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और इसको पर्सपेक्टिव में जाके चेंज करना पड़ेगा लग रहा है, हाँ पर्सपेक्टिव जाता हूँ, थोड़ा सा हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो ये रहा, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मार्चिस की तीली नहीं चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्लिक डालूँगा, फ्लिक बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग मार्चिस को जलाते हैं तो फ्लिक कहता है, ऐसे फ्लिक बोलते हैं, फ्रिक बोलते हैं, कुछ फ्लेयर बोलते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फ्लिक, फ्लिक आ गया यार, फायर लिख देते हैं, छोड़ो ऐसा कौन करेगा, ठीक है, तो मेरा इंग्लिश कमज़ोर है इसके लिए फायर लिखता हूँ, ओके फायर लिखता हूँ, आ तो गया, लेकिन इतना सारा हम लोग को फायर ही नहीं चाहिए, ओके। तो कॉन्सेप्चुअल मैं फायर मैच बॉक्स, हाँ मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैच बॉक्स का आएगा, हाँ ठीक है, ये ठीक है, बट ये वाला ले सकते हैं, स्टॉक्स इमेज है तो स्टॉक्स इमेज को हम लोग टच नहीं करेंगे। तो इसमें से एक हार्श इमेज लेंगे जो कि थोड़ा सा सूटेबल हो, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी इमेज लेके आके डाल दिया, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है। तो चलो ठीक है, ये इमेज यूज कर लेते हैं, मेक श्योर कॉपीराइट ना दे दें, हम लोग उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा है सभी सभी फ्लिक, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं, कॉपी इमेज, एंड इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऊपर लेके आता हूँ, लेयर का ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको ब्लेंड मोड चेंज करके देखते हैं, एक आइडिया तो ये है, या तो हम लोग डायरेक्टली इसको कटआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट कटआउट करने के लिए भी बहुत टाइम लेता है, तो मैं एक और दूसरा करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहता है ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करोगे तो ये दूसरा लेयर ओपन हो जाएगा, और इस लेयर पे जो भी मॉडिफाई करके सेव करोगे वो चीज़ वहाँ पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कलर रेंज, तो यहाँ पे मैं ब्लैक एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इससे ये सेलेक्ट हो जाता है, और इसको क्या कर दूंगा, एक मार्क्स कर दूंगा, तो ये सब है। बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, इन्वर्ट करना था, कंट्रोल शिफ्ट आई करने से इन्वर्ट होता है, और इसको इन्वर्ट करने के लिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लेयर पे जाइए, अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन जाइए, यहाँ पे इन्वर्ट्स दिखा रहा है ना, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया मास्क, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करने से सेव हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए 0% दिखा रहा था, अभी सेव हो गया। तो यहाँ पे आते हैं फिर से अपने लेयर पे, तो ये हो गया है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करके कुछ ना कुछ कर लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई यूज करता हूँ, और मेरे को ये एरिया भी नहीं चाहिए तो इसको तो
इसमें भी फिट नहीं हो रहा है इमेज भी, थोड़ा सा एक और इमेज यूज करते हैं, माइट बी फायर ही ठीक रहेगा। फायर ठीक है, मैं ये इमेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरा इमेज यूज करता हूँ और इसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ। हम लोग उतना रिफाइन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्लिक कर देता हूँ ये पे। नहीं, कलर डज पे अच्छा नहीं आ रहा था, स्क्रीन में अच्छा आ रहा था, तो इसको क्या कर देंगे, इसको नहीं, ये वाला इमेज नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा बोल रहा हूँ, भेज लाइक हो गया, ठीक है। ये फायर है तो इस पर नेम भी क्रिएट कर देते, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, फायर क्रिएट कर लेते और इसको मैं पीछे रख देता हूँ। तो ये हम लोग का क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल आर्ट, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बन जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ फ्लिक डाल सकते हैं, ठीक है। तो और लाइक ये फुल फुटेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई वॉक कर रहा है पैर रख के यहाँ पे, ठीक है, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्चुअल आर्ट बनता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बना दिया। अगर आप इसमें से कलर, कुछ भी कलर बैकग्राउंड पे डाल के अगर उससे देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है बोल के। मैं यहाँ पे सीधा जा रहा हूँ, लग रहा है आप लोग को ग्रेडियंट ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड कलर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं एक यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके ग्रेडियंट ओवरले लेता हूँ, जिसमें से मैं कुछ ओवरले डालूँगा, ग्रेडियंट ही है बट ओवरले पे जाएगा, ब्लू पे मैं डालता हूँ, ठीक है। ब्लू ग्रे ऐसा ये चीज़ थोड़ा सा स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कलर यूज कर सकते हैं, या फिर लीनियर है तो रेडियल कर देते हैं। रेडियल में क्या होता है हम लोग का थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और इसको रिवर्स कर देते हैं जो कि हाईलाइट सेंटर पे आ जाए। तो ओके प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं अभी फ़िलहाल। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सू को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जितना हो सके प्रोडक्ट को दिखाना रहता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्लिक कर दिया और इसको थोड़ा सा और घुमा दिया मैंने, यहाँ पर ऐसा रख दिया, ठीक है। लेकिन उतना भी मत रखना कि आपको कॉन्सेप्ट ही पता ना हो कि और कोई एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पे फायर अभी छुप गया, ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्स ही ना दिखे। और यहाँ पे जैसा कि नाइकी का स्लोगन्स रहता है, और इसमें क्या है ना, ये दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्चुअल बता रहा है, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप शैडो भी नहीं डाला है मैंने यहाँ पे, फिर ड्रॉप शैडो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका स्लोगन लिख देता हूँ, नाइकी का स्लोगन सभी को पता रहता है, जस्ट डू इट, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट डू इट, सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, मेरे पास डाइकॉन से, मैं तो इसमें से डाइकॉन बोल्ड ही यूज कर लेता हूँ, 50 अराउंड 50 और 60-65 रख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो नीड, इसको क्या बोलते हैं, तीली को क्या बोलते हैं, नो नीड फायर, लाइक मतलब समझ लीजिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, नो नीड फायर, मतलब समझ लीजिए जो तीली जलाने के लिए जो चीज़ चाहिए रहता है वो नहीं चाहिए यहाँ पे बोल के, नो नीड, देख सकते हैं स्पेलिंग भी देखना पड़ता है, नो नीड फायर। और यहाँ पे डैश ऐसा मार्क दे देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड है, और मैं इसको थोड़ा सा लाइट में लेके जाऊँगा, उतना हाईलाइट नहीं करना है, तो सेंटर अलाइन कर देता हूँ, सभी को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन करना है। और उसके बाद इसका टेक्स का मतलब 65 है, तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, तो इसको मैं 45 करने वाला हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, और इसको यहाँ पे रख देते हैं,
लेकिन टेक्स को बहुत ही बारीक से रखना पड़ता है। ठीक है, ये सेंटर पे रख दिया और मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर हो वाइट। ठीक है, क्योंकि ग्रे में वाइट थोड़ा पॉप होता है। और ये हो गया, इसको ऊपर रख देंगे और ये लेयर नहीं चाहिए तो डिलीट करते हैं। ये हो गया, तो इसमें से सभी लोग सभी को सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, और वी प्रेस करते हुए इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, इतना तक लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए नॉर्मल है, बट क्या है ना, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं वही सिखा रहा था मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग को पता होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, क्या बनाना है, वो पता चलने के बाद आपको डिज़ाइन बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही है हम लोग को प्रॉब्लम। एवरी डिज़ाइनर क्या करता है, जो मार्केट में है या फिर ट्रेंड में है, वो लेके आके बना देता है। इसको डिज़ाइन नहीं बोलते, खुद का एक कॉन्सेप्ट लेके आके बनाने वाले को ग्राफिक डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, यूनिक डिज़ाइनर बोलते हैं। आई होप इस वीडियो से आपने सीखा होगा आज कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, नो नीड फायर, तो इसमें से और टाइपोग्राफी आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी बढ़ाना है, जस्ट टू इट स्लोगन को अगर ज़्यादा हाईलाइट करना है तो आप उसी में प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 35 रख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो मेरे को इसको हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, तो ये रह गया, और भी हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप शैडो भी डाल सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक मैंने ड्रॉप शैडो डाला था, यही है, मैं कंट्रोल जे करता हूँ, एक लेके आता हूँ, इसके नीचे रख देता हूँ, क्योंकि जो भी आर्ट बना हुआ था हम लोग का वो सभी नीचे है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, देख सकते हैं शैडो बड़ा हो गया। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि एजेस है ना, थोड़ा शार्प दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्विक सेलेक्शन टूल से कटअप किया है। ठीक है, तो पेन टूल से यूज करके कटआउट करने से थोड़ा अच्छा लुक आता है। तो थोड़ा सा इधर डाल देंगे और मल्टीप्लाई को छोड़ के यहाँ पे लाइट कर देंगे, या फिर और भी ऑप्शन है। ठीक है, मल्टीप्लाई को ऑलवेज, मतलब ब्लेंडिंग ऑप्शन को ऑलवेज यूज़ करिए, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, कभी कभी अच्छा आता है, कभी कभी बुरा आता है। ठीक है, तो इसमें से मैं मल्टीप्लाई ही रख देता हूँ, जो कि ऐसा देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल आर्ट हो गया। बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी चाहिए, और जो सोशल मीडिया में हम लोग देखते रहते हैं, उससे थोड़ा सा हटके रहता है, ये यूनिक आइडिया रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल आर्ट। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें मैनिपुलेशन आर्ट यूज़ करेंगे तो थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन का PhD मैं नीचे डाल दूंगा, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।